गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों तो आज का हमारा लेटेस्ट टॉपिक बनेगा जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली शिशु। तो आइए जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, परख नली शिशु किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका महत्व क्या है। तो याद रहे, सबसे पहले आप ये जानिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बनाया गया है, इस तकनीक की खोज क्यों की गई है। तो जितने भी आप लोगों को जानते हैं, लगभग हर इलाके में, हर एक शहर में, हर एक गांव में ऐसे समस्याएं आपको दिखेंगी कि कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान विहीन है, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली शिशु। याद रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी परख नली शिशु के माध्यम से हम ऐसे परिवारों को, ऐसे दंपत्ति को हम संतान प्रदान करा सकते हैं, उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज है, आधुनिक है मेडिकल साइंस की ये एक महत्वपूर्ण खोज है, आविष्कार है, जिसके माध्यम से हम दंपत्तियों को संतान प्रदान करा सकते हैं। तो याद रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी हम बनाते कैसे हैं ये जानिएगा, महत्व तो आप जान गए कि क्या महत्व है, बनाते कैसे हैं वो जानिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ये जानिए कि जो भी प्रक्रिया हम लोग कराएंगे वो किसी अच्छे से लैब में होगा या किसी अच्छे से हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है, आप घर बैठे ये प्रोसेस नहीं करा सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम करते क्या है, स्पर्म लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं और अंडाणु लेते हैं, इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। मिलाने के लिए हम किसी पात्र या बर्तन का प्रयोग करते हैं। पात्र यहाँ पर हम एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, या इसके अलावा हम यहाँ पर पेट्री डिश ले सकते हैं, पेट्री डिश। याद रहे, पेट्री डिश एक छोटी सी जो है कटोरी नुमा बर्तन होता है, पात्र होता है, या टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं। दोनों को आप शुक्राणु को, अंडाणु को उस पात्र में मिलाएंगे, बढ़िया से शेक करते हैं और उसके बाद जब वो 24 घंटे, मतलब उसे आपको 24 घंटे के लिए वहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब में छोड़ना पड़ेगा ताकि बढ़िया से वो आपस में निषेचन कर लें और जाइगोट फॉर्म हो जाए। जाइगोट फॉर्म होने के बाद आप उसे एक पतली सी नली, जिसे हम कैथेटर या लेप्रोस्कोप कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम कैथेटर या लेप्रोस्कोप कहते हैं, उस पतली सी नली के द्वारा हम उस जाइगोट को फीमेल के गर्भाशय के अंदर या फिर हम अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रवेश करा देते हैं। इससे क्या होता है, वहां पर संतान जो है, यूं कह सकते हैं, बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। कभी भी अपने दिमाग में आप ये मत लाइएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी उत्पन्न किया जाता है, ये आप मत लाइएगा। कभी भी हमेशा याद रहे कि जो बेबी उत्पन्न होगा वो फीमेल के गर्भाशय से ही उत्पन्न होगा। तो आप जान गए कैसे हम कराते हैं। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया से जो भी संतान उत्पन्न होगा उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परख नली शिशु का नाम देते हैं। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले किसने कहां से बनाया था इसको। तो याद रखिएगा, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई को सन 1978 25 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड के ओल्डहम शहर में बनाया गया था सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे बनाया था रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक स्टेप्टो। याद रहे, दो साइंटिस्टों ने इसे फॉर्म किया था, किसे बनाया था, दोनों का नाम आप याद रखिएगा, रॉबर्ट, ये दोनों डॉक्टर हैं, इन दोनों डॉक्टर्स ने, रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो, दोनों डॉक्टर्स ने सबसे पहला टेस्ट बेबी 25 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड के ओल्डहम शहर में सबसे पहला बनाया था टेस्ट ट्यूब बेबी, और इस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम रखा गया था, याद रखिएगा, लुइस जोए ब्राउन। इस टेस्ट
जो कि एक फीमेल थी। याद रखिएगा, जो बनाया गया था टेस्ट बेबी, उस टेस्ट बेबी का नाम रखा गया था लुईस जोए ब्राउन, जो कि एक फीमेल थी। तो याद रहे, जब इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था उस समय तमाम लोगों के दिमाग में एक उलझन था, एक प्रश्न था। क्या था प्रश्न? कि जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जो टेस्ट बेबी उत्पन्न होती है, क्या वो नॉर्मल इंसानों की तरह काम करते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह वो व्यवहार करते हैं? तो इसका जवाब मिला तब जब इस फीमेल्स की शादी हुई। शादी के बाद इसने जो है संतान उत्पन्न किया और इसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जो है सर्वाइव की। तभी से लोगों के दिमाग में एक अच्छी सी इमेज बनी, एक अच्छी सी छाप बनी, एक अच्छी सी छवि बनी और इस टेक्नोलॉजी का विकास पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। याद रखिएगा, इस टेस्ट ट्यूब का महत्व बहुत ही है जिसे आपको जानना चाहिए। तो याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी हम चार तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर चार प्रक्रियाएं लिखी गई हैं, चार तरीकों से टेस्ट ट्यूब बेबी को उत्पन्न किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी उत्पन्न होगा वो अपना पर्सनल खुद का होता है। याद रखिएगा, इस बेबी का जो है जन्म माता के गर्भाशय से ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो चार प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड द्वारा यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न कराने के चार तरीके। चारों तरीकों का नाम लिखा गया है IUI, IVF, जिफ्ट और गिफ्ट। इन चार प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो उसके लिए एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिएगा, चारों हेडिंग्स में हम फिगर ड्रा करके ही समझाएंगे। बिना फिगर के ड्रा किए आप हेडिंग अपना क्लियर नहीं करेंगे। तो चलिए, तो इसका नाम है गर्भाशय गुहा, गर्भाशय गुहा, और ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो चलिए देखते हैं चारों प्रक्रियाएं क्या है एक एक करके। तो सबसे पहला है IUI, जिसका पूरा नाम होगा इंट्रा यूटेराइन स्पर्म इनसेमिनेशन, इन सेमी नेशन। याद रखिएगा, इंट्रा यूटेराइन स्पर्म इनसेमिनेशन, जिसका हिंदी होगा अंतः गर्भाशय शुक्राणु सेचन। हिंदी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी से ही आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। तो याद रहे, IUI इन चारों प्रोसेस में सबसे सिंपल और सबसे सस्ता प्रोसेस है, याद रखिएगा। और ये प्रोसेस हम तब करते हैं जब मेल में प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स में नहीं। याद रखिएगा, अगर किसी मेल्स में प्रॉब्लम है, फीमेल्स नॉर्मल है, देन ऐसी कंडीशंस में हम IUI टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम इसमें करते क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम मेल के वीर से कुछ अच्छे स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। फिर उन स्पर्मों को हम कैथेटर या लैप्रोस्कोप, जो कि पतली सी एक पाइप होती है, उसी की सहायता से उन शुक्राणुओं को हम गर्भाशय के अंदर प्रवेश करा देते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में लिखा हुआ अंतः गर्भाशय शुक्राणु सेचन, गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं का सेचन होगा, निषेचन होगा। कैसे होगा वो सुनिएगा। और ये प्रक्रिया तब कराया जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहती है, ओवुलेशन स्टार्ट रहता है, अंडोसर्जन स्टार्ट रहता है, तभी ये जो है स्पर्म को अंदर हम गर्भाशय गुहा के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो इधर से होगा क्या, अंडाणु आएगा, अंडाशय से अंडाणु आगे बढ़ेंगे,
और इस रास्ते से होते हुए यहाँ भी आ सकते हैं, या जो भी हमने स्पर्म यहाँ पर छोड़ा है वो स्पर्म इस रास्ते से जाएंगे इसके अंदर, और दोनों का निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, देन आफ्टर बेबी जो है ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम अंतःगर्भाशय शुक्राणुसेचन के नाम से जानते हैं। आपने सीखा, क्या सीखा, कि इसमें हम गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को छोड़ते हैं लैप्रोस्कोप या कैथेटर पतली सी नली के द्वारा, और ये प्रक्रिया तब की जाएगी जब समस्या मेल में हो, और इसमें करते क्या है, मेल के अच्छे स्पर्म को कलेक्ट करके, हम स्पर्म को कलेक्ट करके लैप्रोस्कोप की सहायता से गर्भाशय के अंदर प्रवेश करा देते हैं शुक्राणु को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। चलिए दूसरा है आईवीएफ, याद रखिएगा आईयूआई के बाद सेकेंड पॉइंट पे सबसे फेमस, याद रखिएगा आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही है। आपके देश में जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आईवीएफ टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, जिसके माध्यम से हम लोग कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसका प्रोग्राम याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंतः पात्री निषेचन। अंतः पात्री निषेचन माने क्या होता है, यह प्रक्रिया आईवीएफ तब किया जाता है जब समस्या मेल्स और फीमेल दोनों में होगी। अगर मेल और फीमेल दोनों में समस्या हो रही है तो इस प्रक्रिया में हम करते क्या है, स्पर्म और ओबम को कलेक्ट करके, अलग से हम स्पर्म को और ओबम को कलेक्ट करके फिर उसे हम एक छोटे से पेट्री डिश में, पेट्री डिश एक छोटा सा बर्तन होता है, पात्र होता है, किसमें, पेट्री डिश में, याद रहे, स्पर्म को यानी शुक्राणु को और अंडाण को दोनों को हम मिला करके उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, 24 घंटे के लिए इसलिए छोड़ते हैं ताकि बढ़िया से वो निषेचन हो जाए। याद रखिएगा निषेचन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें क्लीवेज होगा, जो जायगोट बनेगा, जायगोट में कोशिका विभाजन होगा, उसके बाद दो बनेगी सेल्स, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से लगभग 8 से 16 सेल का एक समूह बनेगा जिसे हम मारुला कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इस मारुला को हम करेंगे क्या, कैथेटर या लैप्रोस्कोप की सहायता से फिर हम गर्भाशय के अंदर इसे प्रवेश करा देंगे, और फिर वहां पर जो है बेबी प्रोड्यूस होगा, जिसे हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी का टेस्ट बेबी कहेंगे। याद रखिएगा इन दोनों में, पहले में और दूसरे वाले दोनों में हम जो भी कुछ छोड़ रहे हैं उसको हम गर्भाशय गुहा के अंदर ही छोड़ेंगे, ये कॉमन पॉइंट होता है। आईवीएफ में फिर से बता दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से सुन लीजिएगा, ये प्रोसेस तब किया जाता है जब मेल और फीमेल दोनों में समस्या होती है। इसमें करते क्या है, अलग से स्पर्म और ओबम को कलेक्ट करके उसे हम किसी बर्तन में, पात्र में, पेट्री डिश जिसे कह लीजिए आप, उसमें हम बढ़िया से उसको मिलाते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि बढ़िया से उसमें निषेचन हो जाए। निषेचन होने के बाद क्लीवेज होगा, सेल डिवीजन होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 16 ऐसे कोशिकाओं का उसमें जो है निर्माण होगा। जब 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जिसे हम मारुला कहते हैं, तो उस मारुला को हम लैप्रोस्कोप या फिर कैथेटर पतली सी पाइप की सहायता से हम इसी रास्ते से वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू इस गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं। फिर ये होता क्या है, मारुला जा करके इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, उसके बाद वो इम्प्लांटेड हो जाता है, यानी प्रत्यारोपित हो जाता है, बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस सिंपल है और ज्यादातर फेमस भी है। तीसरा टॉपिक जिसका नाम है जिफ्ट, जिसका आविष्कार किया था 1986 में, 1986 में डेवराप एटल ने। जिफ्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों से हट के और इन दोनों से अच्छा, इन दोनों से कारगर बट थोड़ा सा कॉस्टली। जिफ्ट का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले क्या होगा, यह है जायगोट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसकी हिंदी होगी युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। याद रखिएगा ये इन दोनों से हट के है, अलग है, इंपॉर्टेंट है।
जिसका आविष्कार किया था 1986 में डेवरार एटल ने। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा इसमें हम करेंगे क्या, जाइगोट को अंदर डालते हैं, वैसे ही स्पर्म को ओबम को कलेक्ट करते हैं, पेट्री डिश में मिलाते हैं, 24 घंटे तक के लिए छोड़ते हैं ताकि बढ़िया से जाइगोट बन जाए। वो जाइगोट जब बन जाएगा उसे हम पतली सी पाइप कैथेटर या फिर लैप्रोस्कोप की सहायता से इसे वेजाइना के थ्रू यूटेरस कैविटी के थ्रू होता हुआ इसे हम इस पतली सी पाइप के थ्रू इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ देते हैं। याद रखिएगा ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर की जाएगी और इसमें हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, जाइगोट को बाहर से बना करके। चलिए तो ये आप जान गए। अगला हमारा टॉपिक बनेगा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गैमीट। याद रखिएगा गैमीट को हम ट्रांसफर करेंगे, बाकी फुल फॉर्म सेम टू सेम होगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर भी हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्क कितना है कि यहां पर हमने गैमीट ट्रांसफर किया। याद रखिएगा गिफ्ट की खोज 1985 में एल हेटल ने की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कवरी भी याद रखिएगा। तो गैमीट होते हैं दो, यानी कि युग्मक, एक होता है मेल गैमीट स्पर्म और दूसरा होता है फीमेल गैमीट ओवम। तो करते क्या है इसमें, दो ओवम लेते हैं और लगभग 2 से 5 लाख स्पर्म लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रक्रिया के अंतर्गत, गिफ्ट के अंतर्गत हम अलग से दो अच्छे ओवम और लगभग 2 से 5 लाख स्पर्म को लेकर के पतली सी पाइप कैथेटर या लैप्रोस्कोप की सहायता से हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ देते हैं। यहां फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ देते हैं, किसे छोड़ रहे हैं, ओवम को और स्पर्म को, अलग से हम पतली सी ट्यूब की सहायता से कैथेटर की सहायता से इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या होता है, उस ओवम का स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहां पर जाइगोट बनता है, मारुला बनता है, फिर वो आकर के यहां पर इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, फिर वहां पर बेबी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, बेबी फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा यहां पर 4 प्रोसेस आपने पढ़ा है। इन दोनों में पहले में क्या छोड़ा जाता है, शुक्राणु कहां, गर्भाशय के अंदर। दूसरे में क्या छोड़ा जाता है, मारुला कहां पर, गर्भाशय के अंदर। तीसरे में क्या छोड़ा जाता है, जाइगोट कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चौथे में क्या छोड़ा जाता है, स्पर्म और ओवम को इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर गर्भाशय गुहा के अंदर छोड़ा जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़े जाते हैं। तो याद रखिएगा इन चारों में आप डायग्राम बना करके डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे और लिखेंगे। याद रखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करके प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। फिर हम मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।